हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हकायक तो पहुंचे ना जी कि जी कितने कितने बड़े लोग जो हैं वो साहिबे किताब हैं, और वो एक एक शेर नहीं कह सकते, वो एक मिसरा नहीं कह सकते। नहीं कुछ इदा केस वगैरह भी चल रहे हैं कुछ लोगों पे। अब्बू के एक शागिर्द हैं शकील सरोज, जो आजकल अमेरिका में होते हैं, जी ठीक नशीन भी है हैं वो। नाजरीन। इस वक्त डॉक्टर बेदिल हैदरी साहब की साहबजादी हमारे साथ मौजूद हैं, आज उनका यौम वफात है। सबसे पहले तो आपसे इजहार ताजियत, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुखन को वक्त दिया। डॉक्टर साहब उस्ताद शायर और कई नस्लों की उन्होंने आबियारी की। पहले तो आप बताइएगा कि आपने जब शोर संभाला, होश संभाला, उस वक्त से लेकर आज तक आपका उनकी वफात तक जो आपने अदबी रवैया देखा वो कैसा था? वो तो माशाल्लाह जो हैं डॉक्टर बेदल हैदरी, वो तो हर वक्त, यानी हमने तो उनको शायरी की हालत में ही देखा ना, सही। और बहुत शागिर्द उनके जो हैं वो हर वक्त जमघटा लगा रहता था घर में, बैठक में अलग से सही बनी सही हुई थी, वहाँ बैठे रहते थे और शागिर्द आते थे, दोस्त अहबाब उनके, और शेर व शायरी हर वक्त होती रहती थी ना, और बहुत सारे शागिर्द उनके, और बहुत सारे उलूम जो हैं वो पढ़ाया करते थे अब सही शागिर्दों को, सही जिसमें इल्म नुजूम, इल्म जफर, इल्म उलादात, मुस्तासला, मुस्तकबिल के बारे में पेशंगोई करने का इल्म, सही और सही इल्म जफर में तो, और इल्म जफर और अरूज, इल्म अरूज जो है उसमें तो उनको अथॉरिटी माना जाता है। सही सही आज भी सही उनका एक एक कहा हुआ लफ्ज जो है वो दूसरे उस्ताद शोरा जो हैं उनको अथॉरिटी समझते हैं कि ये बेदल हैदरी की कही हुई बात है और ये 100% दुरुस्त तो होगी। ये उलूम आपने भी सीखे उनसे? नहीं मैं कुछ कुछ ज्यादा नहीं सीख पाई, बस ये है कि वो जहाँ हीरे तराशे जाते हैं कुछ जरात तो गिरते हैं ना, बस वो जरात समेटने की कोशिश की है, तो वैसे सही मैं कोई बाकायदा अब्बू ने मुझे कुछ सिखाया नहीं, सही। शायरी के भी करीब नहीं आने दिया अब्बू ने। अब्बू कहते लेकिन थे नसर आप खानदान बहुत को अच्छी कर, लिखती हैं। हाँ बस अब्बू कहते थे कि एक शायर जो है ना वो खानदान को तबाह करने के लिए काफी है, और वो अल्लाह मैंने अल्लाह कर दिया है। अल्लाह हाँ अल्लाह। अच्छा, आपने हाँ शागिर्दान जी की बात की तो जी एक रवैया जो हमने अपने सीनियर से सुना भी और पढ़ा भी, जी उनकी जी जिंदगी में भी सिवाय अतर नासिक और अख्तर शुमार मरहूम के अलावा कोई उनका तذکرہ या अलल ऐलान उन्हें उस्ताद नहीं मानता था। चे जाए के सलीम कोसर से लेके अब्बास ताबिश तक उनके शागिर्द रहे, और आज हम जी देखते जी हैं कि कमर रजा शहजाद जो है सिर्फ पोस्टों पे उनका जिक्र करते हैं। तो ये रवैया हाँ क्या उनके लिए तकलीफ दे नहीं होता था? बेहद तकलीफ दे था, लोग क्यों नहीं मानते थे, वजह यही थी कि एक गरीब शायर, मफलूकुल हाल बूढ़ा आदमी, और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के लोग, वीआईपी लोग आके उनसे वो लिखवाते थे और उनसे सीखते थे, और जाके उनको उस्ताद नहीं मानते थे उनकी गुर्बत की वजह से। तो उनसे लिखवाने वालों में कौन कौन से लोग थे अगर आप बताना चाहें? लिखवाने वालों में तो बहुत मुतनाजा चीजें आ जाएंगी। आप आज पीएचडी का थीसिस जो है उसका मैंने अपनी पोस्ट पे लगाया जी ना, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने वो किया, और वो यकीनन जब छपेगा तो या छपवाने में सुखन जो मदद कर सका जरूर करेगा। हाँ उसे किताबी शक्ल में इंशाल्लाह जो है ना लेके आएंगे। उसमें हमने कोशिश तो यही की है कि कोई भी लोगों का भ्रम रह जाए ना, लेकिन कुछ चीजों को सामने लाना बहुत जरूरी होता है। मिसाल के हकायक तौर उनसे पे पर्दा उठाया, हकायक से पर्दा उठाया है। किसी की दिल आजारी हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है कि किसी सही का दिल सही दुखे या किसी को बेनकाब किया जाए या उसकी इज्जत उछाली जाए, ऐसा नहीं, कुछ हम नहीं ये है। सवाल भी इसीलिए किया कि हकीकत हाल नई नस्ल तक पहुंच सके। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हकायक तो पहुंचे ना कि जी कितने कितने बड़े लोग जो हैं वो साहिबे किताब हैं, और वो एक एक शेर नहीं कह सकते, वो एक मिसरा नहीं कह सकते। जी कौन कौन से लोग हैं उनमें? उनके नाम जो आपको थीसिस में मिलेंगे, नहीं आप भी बता दीजिए, नहीं जब थीसिस में छप चुके हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। कुछ इदा केस वगैरह भी चल रहे हैं कुछ लोगों पे। अब्बू के एक शागिर्द हैं शकील सरोज, जो आजकल अमेरिका में होते हैं, जी ठीक नशीन है भी हैं ठीक वो, है जी उन्होंने जो है ना उसका जो कलाम था ना वो छाप दिया ना, कुलियात में शामिल कर दिया था ना, जी तो किस उन्होंने फिर वो केस किया हुआ है ना उसपे, तो वो पे? केस चल रहा है। बहुत बड़े वो एक पीर हैं कबीर वाला के ना, बस आप समझ जाए ना, बहुत बड़े पीर हैं, उनके पास अब्बू की दो बुक्स हैं जो उनके नाम से छप चुकी थी।
सही सही, तो उन्होंने अपने नाम से छाप दी। हाँ जी हाँ जी सही 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 सही। चले जी ये एक बहस और तरफ चली जाएगी। डॉक्टर साहब उस्ताद शायर थे लेकिन उन्होंने जदीद गजल कही। आप बिल्कुल उनकी तालिबे इल्म होने के नाते, उनके साथ आप बेटी होने के नाते, उनकी आगे आवाज को बढ़ाने के लिए उस्ताद जी आदमी हो लेकिन जदीद गजल कहे, और उन्होंने बिल्कुल वो उस तरफ नहीं गए जो एक रिवायती गजल का होता है मामला, ये क्या हाँ वजह थी? बिल्कुल, जिद्दत बहुत थी उनकी शायरी में ना, सही सही बच्चे और समंदर, फूलों का सही जिक्र और मजलूमियत का और इस चीजों पे ना ज्यादा, क्योंकि गमे सही जाना पे शायरी नहीं थी, गमे दौरा पे है ना सारी शायरी उनकी सही सही वो। हाँ जी, जैसे उन्होंने हालात देखे, मुफलिसी और बेरोजगारी और इंतहाई गुर्बत, वही उन्होंने शायरी में उसी को समोया है ना, क्योंकि सही सही। क्या जो बंदा आपके जो जी जी दर्द महसूस कर सकता है ना, तो वही बयान भी कर सकता है। अब 5 स्टार सही होटल में खाना खा के और इंसान भूख को बयान नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे है जैसे कि बिल्कुल भूखा और बिल्कुल जिसने महसूस किया हो वो उस दर्द को बेहतर बयान कर सकता है ना बेशक ऐसे। अच्छा जी। ये बताइएगा कि आपके इल्म में क्या ये बात है कि डॉक्टर बेदिल हैदरी फनून में बहुत देर से छपे और उनको छपवाने जी में जी जो है वो अख्तर शुमार का बड़ा हाथ था, हालांकि उसी जमाने में लाहौर में आपके बाकी भी ये जो जितने भी इस वक्त लाइमलाइट के बड़े बड़े नाम है जो उस वक्त डॉक्टर साहब के गुड्डों को हाथ लगा के गजलें सीधी करवा के लेके जाते थे वो मौजूद थे, तो इतनी ताखीर से छपने के कोई सबब? अख्तर शुमार का हाथ नहीं था जी इसमें, कासमी साहब जो है वो अब्बू को उस्ताद मोहतरम कहते थे। सही सही ठीक हाँ जी, और उन्होंने ही उस्ताद सुखन का लकब जो है वो अब्बू को दिया था। है ठीक है। तो ये अब्बू की उनके साथ दोस्ती, बहुत पुरानी दोस्ती भी थी, फिर दरमियान में कुछ तातुल रहा, कुछ लोगों ने वो धड़ाबंदी, जैसे अदब में धड़ाबंदी होती है हाँ ना। इधर की उधर, उधर की इधर। हाँ जी हाँ जी, धड़ाबंदी की वजह से कुछ बहुत देर से उन कासिम साहब को एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने उसका हक अदा किया। सुभान अल्लाह। हाँ, उन्होंने हक अदा किया फिर इस चीज डॉक्टर साहब का। के किन शागिर्दों में आप समझती हैं कि उनकी वफात के बाद भी वो आपसे राब्ते में रहे और उनके कलाम को मुकम्मल करवाने में, छपवाने में उन्होंने किरदार अदा किया? हकीकत तो ये है कि किसी ने भी नहीं, और सही, शकील सरोज साहब ने भी नहीं। उन्होंने कुलियात छपाई अपने तौर पे, लेकिन मुझसे उन्होंने रابطہ नहीं किया। कुछ इश्यू चल रहे थे सही जिसके उन्होंने ना वो मुझसे रابطہ भी नहीं किया, जुमला हकूक में भी नहीं नाम सुन दिया। सुन सुनने में ये आया जिसकी आज जी तायीद या तस्दीक या तरदीद हो जाएगी कि आपने कुछ रकम का मुतालबा किया था, आपने या नहीं, बेदिल रकम का हैदरी साहब के अहले खाना की जानिब से रकम का मुतालबा हुआ था? नहीं, गलत बात है, रकम का मुतालबा नहीं है, जुमला हकूक तो दिए जाते हैं ना जी बिल्कुल दिए जाते हैं। इसलिए, ये तो वारसों को ही मिलते हैं ना। जी बिल्कुल अब्बू ने अपने हाथ से तहरीर लिखी हुई है कि मैं अपनी बेटी मारफा शाहीन को जुमला हकूक इसके दे दो, तो फिर जुमला हकूक ना दिए जाए, वो सही छपवा के वो इतना तो हक बनता था ना, सही फिर वो सही गैर बहुत सारा गैर मतबूआ कलाम जो है वो रह गया कुलियात, तो उन्होंने छपवा ली, उन्होंने सेल कर ली। चले, सही उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की अदब की, हम नहीं छपवा सकते थे, ये बात भी हकीकत है, लेकिन उन्हें चाहिए था कि वो रابطہ करके तमाम चीजें जो हैं वो लेते सही हमसे। सही। तो अब हमें तो एक नया एडिशन छपवाना पड़ेगा जिसमें बहुत सारा कलाम जो रह गया है उसे शाया करना पड़ेगा। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो जी उनकी वफात के बाद आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ओहो बेटा, ये तो बस बयान से बाहर है, जो हालात चल रहे थे ना जब अब्बू की वफाद से लेके आज तक, मैं बयान नहीं कर सकती जिन हालात का मैं शिकार रही हूँ ना। कुछ तذکرہ हो ताकि आज के जो लोग हैं और जो नौजवान नस्ल जिनको ये 80 की दहाई के बाबों ने घेरा हुआ है और इन्हें बड़ा वो बनाने के चक्कर में है और इन्हें पीस रहे हैं, इन तक इल्म ये जी बात पहुंचना जरूरी है कि कितने बड़े उस्ताद के साथ इन लोगों ने क्या किया। हाँ, ये तो है। अब्बू के साथ ना बेइंसाफी बहुत हुई, कबीर वाला के लोगों ने भी बहुत ज्यादा जो है ना उनको डिग्रेड किया, उनके साथ जुल्म का रवैया रखा गया और बहुत ज्यादा यानी उन्हें तकलीफें मिसाल के तौर पर कोई एक आधी पहुंचाई बात अगर आप शेयर कर दें। गई। ये तमाम शागिर्द जितने कबीर वाला के लोग थे, ये जिन्होंने बेदल हैदरी के टूटे हुए बेंचों पे बैठ के जो आज शायर बने फिरते हैं, और वो उठ के जाते थे, सारा सारा दिन बैठते थे और उठ के जाते थे और बेदल हैदरी के खिलाफ बातें करते थे, सही सही उनको बदनाम करते थे। हाँ जी सही।
उनके बारे में कहा जाता था कि वो खुद भी अदबी सियासतदान है, वो खुद भी अदबी धड़ेबंदी का जहन रखते थे। क्या ऐसा था? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं उनके बारे में ना सुना ना कहीं मुझे फील हुआ, लेकिन यह है कि लोग खुद ही धड़ेबंदी तो हो ही जाती है, जैसे वो उसका शागिर्द है, वो उसका शागिर्द है, वो खुद ही बन जाती है धड़ेबंदियां। सही सही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जाते जाते आप बेदिल हैदरी साहब के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, कोई बात शेयर करना चाहें? मैं उनकी आपको एक गजल के चंद शेर जी सुनाना बिस्मिल्लाह, अता चाहूंगी। कीजिए अता कीजिए। ये बड़ी उनकी मशहूर जो है ना, अब्बू को पसंद भी बहुत थी। जी जी बिस्मिल्लाह चंद शेर आपको सुनाती हूँ। जी, अता मुझे कीजिए। हाय, घूमना नहीं चाक पर मेरे को जगर, मुझे घूमना नहीं चाक पर मेरे को जगर। मेरे इर्तका से ना हाथ कर मेरे को जगर, वाह 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 वाह, मुझे घुग्गुओं की ना शक्ल दे मुझे बख्श दे, आहा मुझे घुग्गुओं की ना शक्ल दे मुझे बख्श दे, मेरे कद्दो खाल पे रहम कर मेरे को जगर। वाह 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 वाह, मैं तो आज भी वही खाक हूँ तेरे पाँव की, तुझे क्या मिला मुझे रौंद कर मेरे को जगर। वाह 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 वाह, कभी तोड़ना कभी जोड़ना तेरा काम है, मुझे बात बात की है खबर मेरे को जगर। वाह 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 और यूं ही उम्र भर तेरी ठोकरों में पड़ा रहूं, मुझे वाह फेंक दे सरे रह गुजर मेरे को जगर। वाह 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 वाह, मुझे दूसरों से ममासलत नहीं चाहिए, हाँ मुझे दूसरों से ममासलत नहीं चाहिए, मुझे अपने तौर पे खल्क कर मेरे को जगर। वाह 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 वाह, मैं नहीं बना हूं तो मत बना मुझे भूल जा, हाँ, मैं नहीं बना हूं तो मत बना मुझे भूल जा, वाह जो मैं बन गया हूं तो रंग भर मेरे को जगर। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया आपका।